अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ मुंबई का फेमस भटियाला स्टाइल मटन दाल चा, या जिसे दाल गोश्त भी कहते हैं, उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स और टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप भी भटियाला स्टाइल मटन दाल गोश्त ईजीली घर में बना सकते हैं। तो आप मेरी वीडियो एंड तक ध्यान से ज़रूर देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। तो दाल गोश्त बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ दालें भिगा कर रख ली थी। इसमें हाफ कप मसूर की दाल है, 1/4 कप तूर की दाल है, या जिसे अरहर की दाल भी कहते हैं, और 1/4 कप ही चने की दाल है। ये सारी दालों को मैंने वॉश करके अच्छे से भिगा कर रख लिया था आधे घंटे के लिए, और इसका सारा वाटर मैंने अब ड्रेन कर लिया। तो सबसे पहले हम दालों को उबाल लेंगे। सारी दाल जो है कुकर में ट्रांसफ़र कर लूँगी मैं। फिर हम ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे ताकि दाल बॉईल करते वक्त हमारी दालें बाहर स्पिल ना हो जाए। साथ ही में ऐड करेंगे हम 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब हम इसमें वाटर ऐड करके बॉईल करने के लिए रख देंगे। तो सारी दालें मिलाकर हमारी 1 कप थी, तो 1 कप दाल के हिसाब से हम इसमें 1.5 कप वाटर ऐड करेंगे। अब कुकर का लिड क्लोज करके हम दालें बॉईल करने रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 to 4 विसल्स आने तक हम दाल बॉईल करेंगे। तो चलिए, जब तक हमारी दालें बॉईल होती हैं हम यहाँ मटन को मैरिनेट कर लेते हैं। मटन हम तैयार करके रख लेंगे यहाँ पर। मटन मैरिनेट करने के लिए हम ऐड करेंगे कुछ खड़े गर्म मसाले। इसमें यहाँ 4 छोटी इलायची है, 2 तेज़पत्ते, 1 दालचीनी का पीस, 1 बड़ी इलायची, 60-60 काली मिर्च ली है मैंने यहाँ पर, 5 लौंग और 1 बादियान का फूल। मेरे पास छोटे पीसेस थे इसलिए मैंने 2 लिए हैं। आप 1 बड़ा बादियान का फूल ऐड कर सकते हैं। और आपको बता दूं मैं यहाँ पर कि बादियान का फूल ऐड करने से दाल गोश्त में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, तो आप ये बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो हम यहाँ पर कोई रेडीमेड मसाले ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हम ऐड करेंगे जिसमें दाल गोश्त में बहुत अच्छी खुशबू आएगी और ये बिल्कुल भटियाली स्टाइल बनेगा। फिर ऐड कर देंगे हम 1.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये मैंने 5 ग्रीन चिलीज का पेस्ट बना कर रख लिया था, मतलब ये ऐसे ही मैंने क्रश कर लिया इसमें ग्राइंडर जार में, विदाउट वाटर के मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। ये ग्रीन चिलीज भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देती है, तो ग्रीन चिलीज भी आप ज़रूर ऐड करें। अब हम यहाँ पे कुछ पाउडर्ड मसाले ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे हम यहाँ पर 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें ग्रीन चिलीज ऐड की है। फिर हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हमने दाल में भी ऐड की थी इसलिए हम बस 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे यहाँ पर। फिर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। फिर यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। सॉल्ट हम ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 लार्ज अनियन स्लाइस करके रख ली थी। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट ऐड करके इसको अच्छी तरीके से हम हाथों से इस तरह से मसल लेंगे। आप चाहें तो ऐसे भी इसको मटन में ऐड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मसल के डालने से ये अनियंस हमारी अच्छी सॉफ्ट हो जाएंगी, और ये मटन गलाते वक्त भी अनियंस हमारी अच्छी तरह से इसमें गल जाती हैं। तो देखिए इस तरीके से मसलने से ये अनियंस में वाटर रिलीज होने लग गया। अब ये सारी अनियन सब मटन में ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ पर 3 टमेटोज मैंने चॉप करके रख लिए। तो इसी तरीके से टमेटोज को भी हम हाथों से थोड़ा सा मसल लेंगे। देखिए टमेटोज भी हमने मसल लिए अच्छी तरीके से। तो देखिए सारे टमेटोज भी अब हम मटन में ऐड कर देंगे। फाइनली हम ऐड करेंगे इसमें 1/4 कप ऑफ ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से हाथों से ही मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मटन में सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली हमने।
अब इसको हम कवर करके साइड में रख देंगे और फिर अब हम अपनी दालें चेक कर लेते हैं। तो देखिए 4 विसल्स आने के बाद हमने फ्लेम ऑफ कर दिया था, इसका प्रेशर भी रिलीज हो चुका है। अब हम अपना लिड ओपन करके दालों को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये दालें हमारे अच्छे से कुक हो गई हैं, सारी दालें अच्छी तरीके से गल चुकी हैं। अगर दाल आपको लगता है नहीं गली हो तो आप एक आध सीटी इसमें और लगा सकते हैं, और इसी स्टेज पे आप दालों को ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मुझे बिल्कुल ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं ब्लेंड करना तो आप दाल को ब्लेंड कर लें। तो देखिए अब ये सारी दालें हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए मैंने दूसरे बर्तन में सारी दालों को ट्रांसफर कर ली है। तो अब इसी कुकर में हम 3/4 कप ऑफ वाटर ऐड कर लेंगे जिसमें हमने दालें बॉईल की थी। अब ये दालों को हम अच्छे से वाटर से इस तरह से क्लीन कर लेंगे कुकर को, और इसको एक बॉईल ले लेंगे। तो इस तरीके से कुकर में जो हमारी दालें हैं वो वेस्ट भी नहीं होंगी, और ये हमारी दाल की कंसिस्टेंसी भी हम इसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं वाटर में बॉईल आ चुका है। अब ये सारा वाटर हम ये दाल में ऐड कर देंगे। तो देखिए अब इसी कुकर में हम ये सारा मैरिनेटेड मटन ऐड कर देंगे। आपको कुकर वॉश करने की ज़रूरत नहीं यहाँ पर, सारा वाटर सारा मटन हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसी बोल में मैंने 1/4 कप ऑफ वाटर ऐड कर दिया था। ये वाटर अब हम मटन में डाल देंगे। ज़्यादा मटन में हम वाटर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि अनियंस का जो वाटर रिलीज़ होगा, टमेटोज़ का भी इसमें वाटर रिलीज़ होगा, और मटन में भी वाटर रिलीज़ होता है, तो इसी में हमारा मटन गल जाएगा। तो 1 विसल आने के बाद हम इसका फ्लेम लो कर देंगे और फिर 15 मिनट्स के लिए मटन को कुक करेंगे। या मटन को टेंडर होने तक आप कुक करें। सारी मटन की क्वालिटीज़ डिफरेंट होती है, तो आप मटन की क्वालिटी के अकॉर्डिंग मटन को कुक कर सकते हैं। तो देखिए 1 विसल आने के बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था, इसका प्रेशर भी रिलीज हो चुका है। अब हम कुकर का लिड ओपन करके मटन को कुक कर देंगे। तो देखिए अब इसका फ्लेम ऑन करके हम मटन को भून लेंगे। इसमें थोड़ा वाटर है तो इसका वाटर हम इवेपोरेट कर लेंगे। तो देखिए इसमें सारा वाटर इवेपोरेट हो चुका है, इसमें ऑयल भी रिलीज होने लग गया है। अब इसका फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। तो फ्लेम ऑफ करने के बाद सारा मटन जो है हम दाल में ट्रांसफर कर देंगे। तो हम सारा मटन ट्रांसफर करेंगे और थोड़ा सा उसमें मसाला हम रहने देंगे कुकर में, क्योंकि हम आगे इसमें जो है तो लौकी को गलाएंगे इसमें, जिसे कद्दू भी कहते हैं। तो ये थोड़ा मसाले के साथ ही अगर हम लौकी गलाएंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर लौकी में भी आएगा, नहीं तो लौकी का काफ़ी ब्लंट फ्लेवर रह जाता है। तो देखिए सारा मटन मैंने दाल में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो थोड़ा मसाला मैंने इसी तरह इसी में कुकर में ही रहने दिया है। अब मेरे पास ये लौकी है, 1/2 kg लौकी मैंने ली है। ये मोटे मोटे पीसेस में इस तरह से कट करके रख लिया था। अब ये सारे लौकी के पीसेस इसी मसाले में हम ऐड कर लेंगे। साथ ही में हम इसमें 1/2 कप ऑफ वाटर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से सारे मसालों को भी हम साइड से इस तरह से क्लीन कर लेंगे। तो देखिए अभी दाल में मैंने कंसिस्टेंसी पूरी तरह से एडजस्ट नहीं की है, क्योंकि हम लौकी ऐड करने के बाद ही कंसिस्टेंसी एडजस्ट करेंगे। तो लौकी का भी जो वाटर होगा उसमें, तो दाल में ऐड करने के बाद ही हम उसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करेंगे। अब इसका लिड क्लोज करके हम लौकी को गलने के लिए रख देंगे। तो ऑलमोस्ट 3 to 4 whistles लगेंगे लौकी को गलने के लिए। तो देखिए 3 whistles के बाद मैंने कुकर का फ्लेम ऑफ कर दिया था, इसका प्रेशर भी रिलीज हो चुका है। अब हम कुकर का लिड ओपन करके लौकी चेक कर लेंगे अपने यहाँ पर। तो देखिए लौकी भी यहाँ गल चुकी है। अब ये सारी लौकी जो है दाल में ट्रांसफ़र कर देंगे हम। तो अब सारी लौकी हम दाल में ट्रांसफ़र कर देंगे मसाले के साथ। तो देखिए मसाले के साथ लौकी बॉईल करने से लौकी में भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, नहीं तो लौकी का फ्लेवर बहुत ब्लंट रहता है। तो आप कोशिश करें कि मसाले के साथ ही लौकी को बॉईल करें।
तो मसाले के साथ लौकी बॉईल करने की बहुत ही अच्छी टिप बताई है मैंने आपको यहाँ पर, आप ये टिप को ज़रूर फॉलो करें। तो देखिए आपका दाल गोश्त भी इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। अब ये सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इस स्टेज पे हम इसकी कंसिस्टेंसी भी एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पर। तो देखिए कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए हम इसमें बॉइल्ड वाटर ऐड करेंगे। मैंने अब वाटर बॉइल करके रख लिया था, तो आप अपनी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग वाटर ऐड कर सकते हैं। तो वाटर ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। आप अपनी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग ये वाटर ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 ग्लास ऑफ वाटर ऐड किया है। इसी स्टेज पर अपना सॉल्ट भी एडजस्ट कर लें आप यहाँ पर। तो साथ ही में मैं आपको यहाँ पे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट बता, तो देखिए यहाँ पर मैंने 1.5 टीस्पून ज़ीरा भूनने रख दिया था। ये ज़ीरा अच्छे से भून चुका है, ये इसका बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट है और ज़ीरे से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें, तो ये ज़रूर ऐड करें आप। अब इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे हम जल्दी से। तो देखिए अब हम दस्ते में हम इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे ज़ीरे का। ये गर्म में ही अच्छे से क्रश हो जाएगा जल्दी से, तो हम गर्म गर्म में ज़ीरा इसको क्रश कर लेंगे। तो देखिए ज़ीरे का फाइन पाउडर बनकर रेडी है। सारा ज़ीरा हम इसमें ऐड कर देंगे, ये इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है इसमें। साथ ही में हम ऐड करेंगे 1 नींबू का रस। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके इसका फ्लेम हम ऑन कर देंगे और कवर करके हम मीडियम फ्लेम पर इसको बॉईल आने तक कुक करेंगे। तो देखिए दाल में बॉईल आने लग गया है। अब इस स्टेज पे हम इसका फ्लेम लो कर देंगे और अब हम दाल के लिए एक सीक्रेट तड़का प्रिपेयर करेंगे। तो तड़का प्रिपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में 5 टेबल स्पून ऑयल हीट कर लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे 3 क्लव्स ऑफ चॉप्ड गार्लिक। जैसे ही गार्लिक का थोड़ा गोल्डन ब्राउन कलर आने लग जाए हम इसमें 8 से 10 कड़ी पत्ते ऐड करेंगे। तो देखिए गार्लिक का भी गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, कड़ी पत्ता भी हमारा फ्राई हो गया है। अब इस स्टेज पे हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और फ्लेम ऑफ करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। कश्मीरी रेड चिली पाउडर ही ऐड करना है यहाँ पर हमें। इसको जस्ट एक स्वर्ल देंगे हम इस तरीके से। और ये तड़का अब हम ये दाल में फौरन डाल के इस तरीके से, बहुत सारा हम कोरिएंडर लीव्स भी डालेंगे इसमें, चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, और जल्दी से अपने बर्तन को कवर करके रख देंगे। तो देखिए तड़का ऐड करने के बाद अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो देखिए फ्लेम ऑफ करने के 5 से 10 मिनट्स बाद ही हम इसको अनकवर करेंगे, हम फौरन अनकवर नहीं करेंगे ताकि तड़के का जो भी फ्लेवर है, जो भी अरोमा है, इसमें अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मुंबई का फेमस भटियाला स्टाइल दाल चा सर्व करने के लिए रेडी है।